जहर। और आज हमारी जो मेन टॉपिक है वह है भारत की नदी। तो एक सबसे अच्छी बात है भारत के बारे में कि यहां सदा प्रवाही नदियां अधिक है। यहां सदा प्रवाही यानी रेगुलर प्रवाहित होने वाली सालों भर बहने वाली नदियां अधिक है। कारण इसके पीछे है कि वर्षा के जल पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात पहाड़ों में कहीं न कहीं छुप जाती है, स्टोरेज हो जाती है और फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ के रूप में जल संचित हो जाता है। जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे वह बर्फ पिघलते रहता है और नदियों में सालों भर जल की पूर्ति करते रहता है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे भारत में तो नदियों को अगर वर्गीकृत करें तो बहाव के आधार पर, बहाव के दिशा के आधार पर, ठीक उनसे अपरदन के आधार पर, निक्षेपण के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले यदि हम नदी तंत्र को देखते हैं तो मूलतः दो भागों में बांटा जाता है बहाव के समय के आधार पर, एक सदा प्रवाही नदी और दूसरा मौसमी नदी। ध्यान से सुनिएगा, पहला सदा प्रवाही नदी और दूसरा मौसमी नदी, अर्थात नदी के बहाव के आधार पर और बहाव काल के आधार पर दो ही भाग में बांटते हैं। वह नदी जो सालों भर बहाव करते रहती है, भले उनकी मात्रा कम हो जल की या जल की मात्रा ज्यादा हो, लेकिन सालों भर बहाव करे वह नदी सदा प्रवाही नदी कही जाती है। जो सालों भर बहाव करे, ध्यान से सुनना है और ध्यान रखेंगे कि सालों भर वही नदी बहाव करेगी जिनको जल की पूर्ति सालों भर हो, और जल की पूर्ति उन्हें ही सालों भर होगा या तो किसी बृहद झील से निकल रही हो या किसी बड़े पर्वतों से निकल रही हो जहां वर्षा हमेशा होता हो और पानी स्टोर होते हो, या जो काफी ऊंचा पर्वत हो और उस पर हिम के रूप में जल संचित हो, जो जल के वर्षा के नहीं होने के समय में वह जल पिघल पिघल कर और फिर बहाव करते हो, तो इस तरीके से उससे निकलने वाली नदियां सादा प्रवाही होगी। हम भारतीय भाग्यशाली है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला, पूरी पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला भारत के मस्तक पर है हिमालय, और इस हिमालय से बहुत से नदियां निकलती है, जैसे सिंधु हुई, सतलज हुई, ब्यास हुआ, इसी ढंग से झेलम हुआ, चिनाब हुआ, ठीक इसी ढंग से जमुना हुई, गंगा, इसी ढंग से गोमती, घगड़ा जिसको हम लोग सरयू कहते हैं, ठीक इसी ढंग से गंडक हुई, फिर कोसी हुई, फिर उधर जाइए तो ब्रह्मपुत्र आती है पूर्वी क्षेत्र से। ये सभी नदियां सदा प्रवाही नदी है क्योंकि मानसूनी वर्षा तो हम लोगों के यहां 3 से 4 महीना तक लास्ट। अब 3 से 4 महीना में सालों भर पानी कैसे बहेगा, तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में जल जो है संचित हो जाता है पर्वतीय कंदराओं में, उनके पर्वत के बहुत सारे पर्वत अंदर स्टोन्स के अंदर जो अवशिष्ट स्टोर करने के जगह है वहां पर, फिर इसी ढंग से झरनों में और बर्फ के रूप में। ये जो बर्फ के रूप में है वो मूल रूप से जब वर्षा नहीं होता है तो वे पिघल पिघल कर मेल्ट करके और धीरे धीरे नदी में जल की पूर्ति रिसाव करके करते रहते हैं, और इस प्रकार वो नदी सदा प्रवाही रहती है। बारिश के दिनों में बड़े पैमाने पर बहाव करती है और वर्षा के कम होते ही उनकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बढ़ने का उनका जो मार्ग है सुखता नहीं है, सदा प्रवाही नदी कही जाती है। और दूसरी नदी जो देखा आपने मौसमी नदी, इस मौसमी नदी में वे नदियां आती है जो केवल
वर्षा के जल को लेकर बहाव करती है। दक्षिण भारत की अक्षरहा नदी जितनी भी है ये सब मौसमी नदी है, उन नदियों में जल रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहाव मार्ग में वो रुक जाती है, ठहर जाती है, सालों भर बहाव नहीं करती है। कुछ नदियां 4 महीना बहाव करती है, कुछ 8 महीना, 10 महीना, लेकिन 12 माह जो मौसमी नदी है बहाव नहीं करती है। तो इस ढंग से उनके बहाव काल के आधार पर 2 भागों में, सदा प्रवाही नदी और मौसमी नदी। दूसरा तरीका है नदी को समझने का, एक कि पूर्वी दिशा में गिरने वाली नदी यानी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, और एक है पश्चिमी दिशा यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो आपको शायद पता होगा कि पश्चिमी दिशा में गिरने वाली नदी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दो ही है, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये दो ही नदी है जो पश्चिमी दिशा में गिरती है, लेकिन दो और नदियां हैं, एक केरल की इरावती नदी और दूसरा राजस्थान की लुनी नदी। तो राजस्थान की जो लुनी नदी है ये राजस्थान के ही अरावली पर्वत से अजमेर से निकलती है और राजस्थान के रेगिस्तानों में बहाव करते हुए, अभी हम मैप में दिखाएंगे सभी नदियां आपको, पहले थोड़ा बता दें, तो वह बहाव करके राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों से और अरब सागर में गिर जाती है लुनी। लेकिन लुनी जो है ये सदा प्रवाही नहीं है, जब बारिश नहीं होगा तो लुनी अरावली पर्वत से निकलकर अजमेर से और कुछ ही दूरी पर जाकर और राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इरावती नदी भी जो केरल की है वो करीबन 8 से 10 महीना अविरल बहाव करती है, लेकिन 2 महीना उनके भी जल क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों झरनों से जल की पूर्ति उसमें कम होने लगती है। तो इस तरीके से दो नदियां जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती है वह है आपका नर्मदा और ताप्ती, और दो नदियां और जो लुनी है और इरावती नदी है ये सालों भर बहाव नहीं करती। इरावती तो थोड़ा करती भी है, लुनी तो आश्चर्य करेंगे कि 2 महीना ही बहाव करती है पूरी तरह, 10 महीने लुनी नदी का बहाव अरब सागर में बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पश्चिमी दिशा में गिरने वाली नदी इसको कहेंगे, अथवा इसको हम लोग आपके अरब सागर में गिरने वाली नदी कहेंगे। दूसरी नदी जो हमने कहा पूर्वी दिशा में, तो पूर्व दिशा में आपको गंगा में गिरती है, भारत की नदी कर रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं आपको, नहीं तो अगर भारत से अलग थोड़ी सी हट जाए सिंधु को ले लें तो सिंधु भी अरब सागर में गिरती है, और सिंधु की सहायत में झेलम भी होती है, रावी भी होती है, ब्यास भी होती है, बहुत सारी नदियां हैं जो जाकर गिर रही, सतलज भारत से ऊपर देख रहे हैं जाकर मिल रही है, गिर रही है। लेकिन ये डायरेक्ट चूंकि अरब सागर में नहीं गिरती है तो भारतीय नदी है, सिंधु भी भारत से ही होकर जाती है, लेकिन इसके 90% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है और ज्यादातर ये पाकिस्तान में ही बहती है, इसलिए उसे हम लोग केवल भारत की नदी नहीं कह पाते हैं, भारत उसका उपभोग कम करता है। रही बात आपको, हाँ गंगा, आपने सही कहा कि गंगा का भी उपभोग हम लोग जो है करते हैं, लेकिन बांग्लादेश भी करता है, लेकिन भारत ज्यादा करता है, इसलिए गंगा नदी भारत की नदी है, भारत में निकलती है, भारत में बहाव करती है, भारत के लगभग 300 छोटे बड़े नगर बसे हैं इनके किनारे, ध्यान रखिएगा, जिसमें 100 नगर महत्वपूर्ण है और कलकत्ता से लेकर पटना से लेकर ये तो महानगर भी बसा है गंगा के किनारे, ऐसा नहीं है। तो ये बांग्लादेश होकर जाकर और फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो पूर्व दिशा में गिरने वाली नदी अगर हम ले तो इसमें आपको जमुना है, गंगा है, जमुना हालांकि गंगा में ही आकर मिल जाती है, गोमती है जो लखनऊ से निकलती है, ठीक किसी ढंग से सरजू है जिसको हम लोग खगड़ा कहते हैं, या के छिपड़ा में मिल जाती है आपको, ये भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी नदी है जो काठगोला के पास आकर मिल जाती है गंगा में, ठीक किसी ढंग से उधर कैलाश मानसरोवर से जो ब्रह्मपुत्रा निकलती है और चीन होते हुए फिर जाके अरुणाचल प्रदेश होकर, हम सारा मैप में भी दिखाएंगे आपको, और फिर आ जाती है आपको असम होकर और फिर बांग्लादेश में जहां गंगा मिल जाती है और फिर गिर जाती है। उधर देखेंगे महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है,
दक्षिण भागों में आप जाएंगे तो गोदावरी गिर जाती है, कावेरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो पश्चिमी दिशा में गिरने वाली नदी को हम लोग अरब सागर की नदी कहते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी कहते हैं, और पूर्व दिशा में जो बहाव करके गिरती है उसको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कहते हैं। तो ऐसे भी दो भागों में हम नदी को बांटते हैं, अब रहा कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी। नेक्स्ट एक और पार्ट बांटते हैं, मुख्य नदी में आ जाता है आपको सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब मुख्य नदी है, और उनकी सहायक नदियों में आ जाता है गंडक नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, जंबल नदी, काली सिंधु नदी, ये सब जो है बाणगंगा नदी, ये सब सहायक नदी में आ जाता है जो बड़ी नदियों को जल की पूर्ति करती है। एक और डेविएशन है इंडियन रिवर का कि कौन नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है और कौन एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। तो ध्यान रखेंगे कि जो डेल्टा नहीं बनाती, यानी अपने साथ अपरदन करके कुछ मटेरियल को ले जाकर अपने मुहाने पर नहीं छोड़ती है, वो ऐश्वर्य का निर्माण की। तो नर्मदा जो है वो पहाड़ों से होकर ही बहती है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर ही बहुत सारे पर्यटक जाकर देखते हैं। अभी पटेल साहब की जो मूर्ति बनी है 282 मीटर, वहां आप जाकर देखिए, वहां से भले ये गुजरात में बना है नर्मदा नदी के किनारे और मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात, लेकिन पटेल साहब की मूर्ति से जाकर देखेंगे तो धुआंधार जलप्रपात दिखाई पड़ता है आपको। हाँ, थोड़ा दूर है लेकिन दिखाई पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि धुआंधार जलप्रपात है, तो जो पहाड़ों से गिर रहा है और पहाड़ पर ही बह रहा है, तो अपने साथ अपरदनकारी तत्व जो है या अपरदित पदार्थ जो है वो कम ले जाता है, कम ले जाएगा तो मुहाने पर कम छोड़ेगा, मुहाने पर कम छोड़ेगा तो वहां जमेगा नहीं, डेल्टा नहीं बनेगा, तो डेल्टा नहीं बना तो क्या बना, एस्चुरी बना। तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। अब अगर पूर्वी तटीय क्षेत्र में देख ले तो जितनी इधर की नदियां बहती है, चाहे उत्तर भारत की नदी हो या दक्षिण भारत की नदी हो, ये सभी नदी जो है बृहद मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। अब बृहद मैदानी क्षेत्रों से बहती है तो मिट्टी का अपरदन करना उनके लिए आसान है, गंगा भी अपरदन करती है, जमुना भी अपरदन करती है, इसी ढंग से सोन नदी देखते हैं इसी पटना में कितना अपरदन करके सोन का बालू जो है निच्छारित कर देती है, अवशिष्ट को जमा कर देती है, जिससे हम लोग घर द्वार बनाते हैं पीला वाला लाल वाला बालू जो है। तो इस तरीके से ये सब काट काट कर नदियां अपने बहाव मार्ग में आने वाले अवरोध को अपरदित कर देती है, इरेज कर देती है, घिस लेती है, और फिर बहाकर जो हल्का होता है पार्टिकल्स उनको दूर तक ले जाती है। भारी पार्टिकल्स को तो वो छोड़ देगी रास्ते में, लेकिन जहां उनका बल कम प्रयोग करेगा छोटे पार्टिकल्स को भी छोड़ देती है, छोटे छोटे कण को भी। अब वो छोटा छोटा कण जो अपना मुहाना है जहां समुन्दर मिल रहा है वहां छोड़ देती है। अब छोड़ने का धीरे 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 बारिश के दिनों में फिर उसको काटने का प्रयास करती है, बारिश कम तो वो एक छोटा सा डेल्टा बन जाता है। तो इस तरीके से पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां लगभग लगभग डेल्टा का निर्माण करती है। और यह सुंदर वन जो आप देख रहे हैं मैंग्रोव वन, जिसको सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र आजकल कहा जा रहा है, तो वो मैंग्रोव वन है, सदा हरित वन भी उसको कहते हैं या सुंदरी वन डेल्टाई क्षेत्र भी उसको कहते हैं, कई नाम दिया जा रहा है आपको। तो उन क्षेत्रों में देखेंगे कि बिल्कुल ये गंगा बंगाल से जब बांग्लादेश से जाकर जब गिरती है और उधर ब्रह्मपुत्र से मिलकर जब अपने साथ अपरदित मटेरियल को छोड़ती है, तो एक बृहद इलाका एकदम दलदली बना हुआ रहता है, कभी कभी जल जमा होते हैं, बाकी समय में वो ऊपर भाग उठा हुआ है। और वहां तो कई लोग वहां बसना भी कुछ द्वीपों पर शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें बांग्लादेशी लोग आबादी ज्यादा है तो वो लोग आकर मत्स्य आखिर करने के लिए द्वीपों पर बस गए हैं, और विवाद का कारण भी है, भारतीय सेना का वहां नियंत्रण है, भारत की भूमि है, लेकिन बांग्लादेशी वहां आकर बस गए हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड पर हम देखेंगे यहां आकर कुछ नदियों को, पहले मैंने इसलिए थोड़ा सा समझा दिया कि सीधे बोर्ड पर आकर बताने पर नहीं समझ में आता, हल्का फुल्का सुन लिया तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है, और एक बार रहा है तो दोबारा पढ़िए तिबारा पढ़िए। जी जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आपका एरिया है, ये देखिए उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का एरिया है, और इस उत्तराखंड में लिखा गया यहाँ पर, यहां से कई नदियां बहती है, लेकिन मूल तौर पर हम देख रहे हैं कि ये गंगा नदी है,
ये गंगा नदी आकर यहाँ थोड़ा सा भागलपुर के पास आकर मुंगेर के पूर्व में और भागलपुर के पश्चिम में उत्तरायण हो रही है। वहीं सुल्तानगंज नामक स्थान पर जहाँ बड़े पैमाने पर बाबा धाम के लिए लोग जल भरता है, हिंदू धर्म में उत्तर दिशा में बहने वाली नदी या गंगा को ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो ये गंगा नदी है जो बहा करके आ रही है, और ये आप देख रहे हैं कि यही उत्तराखंड से यमुनोत्री से जमुना आ रही है, लेकिन जमुना आकर ये यहाँ इलाहाबाद में क्या होता है, मिल जा रही है। जमुना जो है आपकी ये पूरे जो है हरियाणा को जल दे रही है, फिर दिल्ली को जल दे रही है, और फिर आकर आप देखेंगे तो मथुरा वगैरह एरिया को भी जल देते हुए, और फिर मथुरा पहले उसके बाद आगरा पहुंचती है, और आगरा से इधर से चंबल नदी वगैरह सहायक इससे मिल जाती है और यहाँ आकर इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, जिसको हम लोग त्रिसंगम कहते हैं। लोकतः अदृश्य रूप से सरस्वती भी वहां मिलती है, धार्मिक रूप से मिलती होगी, लेकिन भूगोल देवता उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि करीबन करीबन 70 लाख वर्ष पहले प्लेट के विवर्तन की संचरण होने के कारण जो सरस्वती नदी थी, जिसको दृश्यवती नदी कहते हैं, चौतांग नदी कहते हैं, घग्गर नदी के भी नाम से जाना जाता है, वह सरस्वती नदी इस अरावली पर्वत श्रृंखला के थोड़ा भूकंप आने से और ऊपर उठ जाने से वह दो भागों में टूट गई, एक जमुना में विलीन हो गई समाप्त हो गई, और दूसरा पश्चिमी दिशा राजस्थान होकर वो निकल जाती है। तो जो है घग्गर नदी आपके कालीबंगा होकर, जो गंगानगर जिला अभी राजस्थान में है, पंजाब से सटा हुआ, वहां से आगे निकल जाती है, उसको दृश्यवती अथवा वर्तमान में चौतांग नदी के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक नदी है, आज भी बहती है, लेकिन आज उसका नाम हो गया है चौतांग नदी। और इसी सरस्वती नदी के किनारे ऋग वेद की रचना प्रारंभ किया गया था, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को कहते हैं, और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी सिंधु को कहते हैं, और अभी वर्तमान में तो गंगा खैर पवित्रतम नदी माना जाता है। तो इस ढंग से ये उत्तराखंड से निकलती है। इधर से देखिएगा कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा जमुना द्वाब बीज वाला क्षेत्र, अरबी शब्द है दो आब, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दो आब। आब शब्द माने पानी हो गया, दो माने दो, तो ये द्वाब क्षेत्र गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र बोलते हैं, किसी दो नदी के बीच को हम द्वाब ही कहते हैं। यहाँ आते हैं, अब इधर से देखेंगे आप कि जो गंगा है ये बिहार में करीबन 461 किलोमीटर के आसपास बहती है, और ये गंगा ऐसे बिहार होते हुए, और यहाँ से देखिए गंडक आती है जो आपके सोनपुर में आकर मिल जाती है, ठीक है, और फिर आगे ये बढ़ती है, ठीक किसी ढंग से ये कोसी आकर यहाँ मिल जा रही है, और ये फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही दो भागों में टूट जाती है। एक जो है आपका ये निकल जाती है हुगली होकर, और दूसरी नदी जो है आपका फरक्का बांध से ऐसे कटकर, और इधर से आप देखेंगे कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर से जो नदी चल रही है वो तीन नदियां है। एक आपको जिसको सिंधु नदी हम लोग कहते हैं, सॉरी यहाँ से बह रही है ये, तो ये सिंधु नदी ऐसे होकर पाकिस्तान में चली जाती है, और इसी जगह से सतलज नदी जो है आपका ऐसे बहते हुए सतलज, और फिर आपके यहाँ आकर मिल जाती है, ये सतलज नदी है, और इसी पार्ट से जिसको कैलाश मानसरोवर झील कहते हैं, यहाँ से ये नदी ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और फिर ऐसे जाकर आपको यहाँ से प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में, और यहाँ से ये फिर बहाव करके असम होकर, और फिर यहाँ बांग्लादेश में आती है, जहाँ गंगा मिलकर यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो इस तरीके से केवल भारत में आपके गंगा नहीं बहती है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि भारत में न तो सिंधु पूरा बहती है, न ब्रह्मपुत्रा पूरा बहती है, और न गंगा पूरा बहती है। तो एक बार आईएएस में और एक बार बीपीएससी में दो बार इस सवाल आ चुका है कि भारत केवल भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है,
तो लोग गलती से मार दिया कई बार सिंधु, कई बार ब्रह्मपुत्र, कई बार गंगा, और लड़ने भी लगे कि नहीं ये मेरा सही है, मेरा सही है। लेकिन आश्चर्य करेंगे, केवल भारत में अगर देखें तो इन तीनों नदी में कोई नहीं है, आपको आ जाता है गोदावरी नदी, जो आपके महाराष्ट्र से निकलता है यहां से, और फिर गोदावरी सीधे, ये देखिए गोदावरी नदी है, यहां से निकल रही है गोदावरी, और ये गोदावरी होते हुए सीधे क्या हो रहा है, गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये महाराष्ट्र एरिया हुआ, और महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। तीनों है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए उनको त्र्यंबकम कहा जाता है। तो भारत में कहे, ध्यान रखिएगा, तीन टाइप के यहाँ प्रश्न आते हैं। प्रश्न समझना प्रतियोगियों के लिए बहुत जरूरी होता है, वही नहीं समझेंगे और किताब केवल रट जाएंगे तो नहीं होगा। एक सवाल पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की या भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो ध्यान देंगे, ये दो नदियां, ये ब्रह्मपुत्रा जो देखे हैं आप, ये करीबन 2890 किलोमीटर एग्जैक्ट है, लेकिन किताबों में आपको 2900 किलोमीटर दे देता है। अगर दोनों रहे तो आप ऊपर वाला सही मारिएगा 2890 किलोमीटर, लेकिन अगर 2890 किलोमीटर न रहे तो मजबूरी में आपको 29 किलोमीटर देखना है। यहां तो ऑप्शन चुनना है, या तो नन ऑफ डीज करेंगे हम जहां ऑप्शन है, न रहे तो 2890 किलोमीटर। और अगर सिंधु को देखें आप, ये सिंधु नदी है आपका, तो सिंधु नदी की लंबाई जो है आपका ये 2889 किलोमीटर एग्जैक्ट जो है पाकिस्तानी पुस्तकों में देखने को मिलता है। 2889 यानी एक किलोमीटर कम शो करता है ब्रह्मपुत्र की लंबाई से, लेकिन हम लोगों के किताब में अभी भी इसको कितना लिखा जाता है, 2900 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। तो लेकिन ये दोनों ऑप्शन दे 2889 एंड 2900, और दोनों में से चयन करना हो तो ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट यही है 2889 किलोमीटर, आपको 29 नहीं मारना। लेकिन अब अगर 2900 ही ऑप्शन हो तो ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा कि कई बार गर्मी के दिनों में समुद्र लेयर क्या होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, जाड़े के दिनों में थोड़ा घट जाता है, बारिश के दिनों में नदियों के बहाव जो है वो मिलान, जो समुद्र में मिलान है पहले ही मिल जाते हैं, गर्मी के दिनों में लंबा चल जाता है सोता तो लंबा हो जाते हैं, तो ये घटते बढ़ते थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं, अब उस आधार पर हम एवरेज लेकर चलते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। भारतीय का क्षेत्रफल देखिए ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्यों, क्या वो मीटर कुछ उसमें नहीं होगा, क्या सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या डेसीमीटर नहीं होगा, होगा, हम लोगों की लंबाई मापा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई 5 फीट 3 इंच है, ये क्या 5 फीट 3 इंच के अलावा भी तो होता है, या फिर हम कहते हैं कि 1.62 है, 1.63 है, क्या 1.63 सेंटीमीटर के अलावा कोई मिलीमीटर डेसीमीटर नहीं होता है, होता है, लेकिन ऐसे ही मोटे तौर पर माप लिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है बहुत एग्जेक्टिविटी से अभी दूर है, उस पर बहुत फोकस नहीं करना है, ऑप्शन के अनुसार उत्तर का चयन करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है। हम लोग जो कराते हैं वो ज्यादा परफेक्ट हो वो वाला एरिया आपको कराते हैं। आगे देखेंगे आप, तो हाँ ये पूछे कि भारत की, शब्द सुनिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो उसमें आप मारेंगे ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में न हो तो मारेंगे सिंधु, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तब आप मारेंगे गंगा। ये भारत में 2070 किलोमीटर बहाव करती है गंगा, ये ध्यान रखेंगे, भारत में इसकी बहाव कितनी है 2070 किलोमीटर भारत में, और पूरी गंगा की लंबाई ले लें अगर जी, संपूर्ण लंबाई यदि गंगा के ले लें तो ये 2510 किलोमीटर। अब ध्यान देंगे 2510 किलोमीटर हम लिखा रहे हैं,
लुसेंट जैसे किताबों में 2525 किलोमीटर मिलेगा, स्पीडी जैसे किताबों में 2525 किलोमीटर मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर वाला सही है कि ये किताब वाला सही है। सर तो सर है, इनकी क्या औकात। लेखक जो लिख रहा है वो महाविद्वान, लेकिन आश्चर्य करेंगे कि हम लोग कई किताबों को पढ़ते हैं, विद्वानों से पढ़ कर आए हैं, आपको यही सही है, यानी 2510 किलोमीटर। गंगा की पूरी लंबाई बांग्लादेश जोड़ कर भी 2510 किलोमीटर। NBT एंड NCERT ये दोनों किताब जो देता है वही आंकड़ा सही माना जाता है। आपके ये लुसेंट वगैरह के आंकड़े विवादास्पद स्थिति में गलत है, ध्यान रखेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ना है लेकिन ध्यान नहीं देना है। तो इस तरीके से आपको भारत में 2070 किलोमीटर तो पूछे कि भारत में, ध्यान रखिएगा, में मतलब इन की मतलब इस एरिया में, ये दोनों का अंतर होता है। आप अंग्रेजी पढ़े होंगे तो जिसमें देखे होंगे बांह लगा रहता है उस कुर्सी पर बैठने के लिए इन कहा जाता है, आई सिट इन द चेयर। अब बाही अगर नहीं है तो ऑन हो जाता है, सिट ऑन द चेयर। तो यही चीज समझना है, एक एक वर्ड आज के जीके जीएस में भी रीजनिंग बेस्ड आ रहा है, प्रीपोजिशन बेस्ड आ रहा है। अगर उस टाइप के जीके जीएस की तैयारी हम न करें, खाली रख लें, तो शायद बेहतरीन तैयारी नहीं होगी। और अभी के यूट्यूबर देख रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, उधर धराधर उनके पास चूंकि तकनीक विकसित है, एक से एक कैमरा रखे, एक से एक एक्सपर्ट रखे हैं, लेकिन जो कला है करने की वो नहीं है, गलत परोस रहे हैं। और बहुत सारे गलत से अवगत होकर लोग बहुत ज्यादा आंख खराब करके भी यूट्यूब पर जुड़ा हुआ है, स्कोर से 2-4-5 ज्यादा बनाकर भी फेल हो जा रहा है। कटक में यूट्यूब से मिलाया हुआ लड़का बता रहा हूं, बिहार पुलिस आप देख सकते हैं जाके छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में, कि सबसे ज्यादा स्टडी पॉइंट के लड़के हैं, सबसे ज्यादा। कहां गए यूट्यूबर, जबकि यूट्यूब यूज करने वाले अगर देखा जाए यहां तो 44,000 बिहार पुलिस के लड़के तैयारी कर रहे थे, 44,000 के आसपास छपरा से तैयारी कर रहे थे। 6 लाख लड़के दरोगा का फॉर्म भरे हैं, जिसमें ऑलरेडी 32,000 केवल छपरा जिला के लड़के लगभग जो यहां के एड्रेस मूल लिखा है। अब 32,000 में मेरे यहां कहे वो लड़के हैं, मुस्किरन हमको लगता है कि 10 वो लड़के होंगे। इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि रिजल्ट 10 से बेसी होंगे तो बताते हैं। रिजल्ट के बाद वो खोजता है छपरा स्टडी पॉइंट में कई 100 रिजल्ट आया, अब पढ़िएगा 10 वो तो 50 वो रिजल्ट कैसे आ जाएगा यहाँ। कहा जो पढ़ेंगे वो ये श्योर है, हमारे सिस्टम से रेगुलर क्लास कीजिए तो पास करेंगे, जो वहम जो है वो मैं दूर करता हूं और सिस्टम से आपको करता हूं। तो फिर यहां देखेंगे आप कि ये जो गंगा बात है, अब अगर ये पूछे, फिर से मैं ध्यान दिलाता हूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो क्या मारेंगे आप, ये ब्रह्मपुत्र। भारत की पूछे तो उत्तर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र, न रहे तो सिंधु। दूसरा पूछे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो क्या होगा, गंगा। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो क्या करेंगे आप, गंगा। और ये कहे केवल भारत में बहने वाली, तो ध्यान रखेंगे 1465 किलोमीटर भारत में बहती है, केवल भारत में, ये भारत से इधर उधर नहीं जाती है। इसको कहते हैं हम लोग गोदावरी। क्या है ये, गोदावरी। ये देखिए यहीं से शुरू हुई इंडिया से और इंडिया में समाप्त हो गई। तो केवल भारत में बहने वाले सबसे लंबी नदी है गोदावरी। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को सिंपल एग्जाम में ग्रुप डी हुआ या फिर रेलवे हुआ, इन सबों में बिहार पुलिस में पूछता है क्या कि भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सबसे लंबी है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपके गोदावरी। अगर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको हो जाएगा गोदावरी। इसमें तो सब उल्टा बना रहा है जी, तो ये बच्चे कैसे आंकड़े देखेंगे, अगर यूट्यूब पर डाला जाएगा तो आता है सिस्टम सुझ हो जाएगा, तो थोड़ा कर दीजिएगा, चूंकि पहली बार देख रहे हैं कि कैमरा लगाए हैं हम, तो एकदम उल्टा आ रहा है।
तो चलिए बाद में सोच कर दीजिएगा, पूरी रिकॉर्डिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हो जाएगा ना सोच, नहीं होगा जा। तो चलिए, तो पूरा वीडियो करीबन 30 मिनट का खराब हो गया।